पढ़ाई जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिर चाहे वह आपकी किसी परीक्षा के लिए हो या जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई हो। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए। पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या है, न केवल पढ़ाई में बल्कि आप किसी भी काम में मन को कैसे लगाएं, इसके लिए भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। पढ़ाई में मन न लगने का कारण क्या है? पहले तो आपको यह समझना होगा कि पढ़ाई में मन न लगने के पीछे क्या वजह है, उसके बाद हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के तरीके बताएंगे। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन न लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर यानी कि प्रकृति से इतने दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, फिर पढ़ाई में मन न लगना तो आम बात ही है। पढ़ाई में मन न लगने के कुछ ये भी वजहें हो सकते हैं। मन का अशांत होना, ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल यानी कि आपके हाथ में जो झुनझुना है उसके ज्यादा इस्तेमाल से गलत संगति होना, शोर शराबे का माहौल, बाबू, शोना, मोना, टोना, बेबी, बुग्गू आदि पढ़ाई में रुचि ना होना, पढ़ाई में मन न लगने के कुछ वजह हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रुचि और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। आजकल परिस्थिति कुछ इसके विपरीत है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे। पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है, या फिर क्या कोई चमत्कारिक पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र है? इन सभी सवालों का जवाब अब हम आपको आगे दे रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इस वीडियो में बताए गए पढ़ाई में मन लगाने के बेहतरीन तरीके आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। चलिए जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। अपना लक्ष्य बनाएं, सही फील्ड का चुनाव, टाइम टेबल सेट करें, सिलेबस को समझें, सही जगह चुनें, खुद को मोटिवेट करें, नोट्स बनाकर पढ़ें, ग्रुप स्टडी भी करें, मेडिटेशन ऑफ प्राणायाम करें। यहाँ हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के कई तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे। इसके अलावा यदि आपकी याद करने की क्षमता बहुत कमजोर है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए हम आपको कुछ चमत्कारिक तरीके भी बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के कुछ विशेष आसान तरीके। अपना लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा। आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है? आप क्या बनना चाहते हैं? आपके पास इन सभी सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। यह पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। सही फील्ड का चुनाव। पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं क्या वह आपके लिए सही है? क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है? क्या वह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है? इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपना सही फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको साइंस पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश जियोग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, तो निसंदेह यहां आपका मन न लगना आम बात है। अतः सही फील्ड का चयन करें, टाइम टेबल सेट करें। जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तो अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। यह बहुत जरूरी है और इससे ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना। आप किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस विषय में निपुण बनना चाहते हैं, आपको उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तैयार करना होगा और रोजाना इसे फॉलो भी करना होगा। सिलेबस को समझें। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वह कोर्स या उस कक्षा का सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक्स को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक्स को दूसरी तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी।
सही जगह चुनें। यदि आप किसी गंदी जगह पर या शोर शराबे में या गलत संगति के बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह का चुनाव करना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं। यह आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दें। आप अपनी पिछली कामयाबियों को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करते रहें। पढ़ने का सही तरीका, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूं और जहां मैं बैठा हूं वह केवल पढ़ाई करने का स्थान है। अतः आपको पढ़ने का सही तरीका जरूर मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। नोट्स बनाकर पढ़ें। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक भी जरूर रखनी चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदुओं को उसमें नोट करते रहना चाहिए। आपको पढ़ाई के नोट्स भी बनाने चाहिए और सरल डायग्राम में इन्हें सजाना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा रुचि होने लगेगी। ग्रुप स्टडी भी करें। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं? जी हां, यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो इसका एक बहुत बड़ा आसान तरीका है कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं आपको इससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं, उनके साथ में चर्चा करनी है, या आप इसको ग्रुप स्टडी का भी नाम दे सकते हैं। आपको पढ़ने वाले लड़कों के साथ में रहना है और उनके साथ में अपने विषय की खूब चर्चा करनी है। जो विषय आपको आता है उससे खूब सवाल पूछने हैं। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। मेडिटेशन और प्राणायाम करें। पढ़ाई में मन न लगने की समस्या को दूर करने के लिए अथवा किसी भी काम में यदि आपका मन ना लग रहा हो तो उसके लिए यह तरीका बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रोजाना कुछ समय के लिए मेडिटेशन एवं प्राणायाम जरूर करें। विशेष परिस्थिति में जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उससे पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें और कुछ देर तक 8 से 10 प्राणायाम करें। इससे आपको तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और पढ़ाई में मन या अपने किसी भी काम में मन अच्छे से लगने लगेगा। पढ़ाई में तेज कैसे हो? पढ़ाई में तेज होने के लिए क्या करें? क्या मैं भी पढ़ाई में तेज हो सकता हूं? क्या मैं भी टॉपर बन सकता हूं? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यदि आपने पढ़ाई में मन लगाने के हर तरीके अपना लिए हैं और उसके बाद भी मन नहीं लगता है, या फिर आपकी याददाश्त भी बहुत कमजोर है, तो फिर आपको कुछ इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह उठकर पढ़ाई करने का अभ्यास करना होगा और सुबह पढ़ाई से ज्यादा याद रहता है। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान का सहारा जरूर लेना होगा। टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं? एक टॉपर छात्र की पढ़ाई करने के तरीके में और एक सामान्य छात्र की पढ़ाई के तरीके में कुछ खास अंतर नहीं होता है। बस अंतर होता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति एवं लक्ष्य प्राप्ति का। टॉपर लोग अपना लक्ष्य बिल्कुल अपने सामने रखते हैं। टॉपर लोगों की पढ़ाई करने के तरीके में एक विशेष बात होती है, जो कि निरंतरता है। जी हां, एक टॉपर छात्र की दिनचर्या का एक विशेष पहलू है कि वह निरंतर एक टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करता है। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो बस आपको यही एक सूत्र अपनाना होगा। इसके लिए आपको सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यानी मेहनत करनी होगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।